हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज बात करने वाली हूँ मैं वीनस की। वीनस ट्रांजिट करने वाले हैं इन टॉरस, यानी अपने खुद के ही साइन में ट्रांजिट करने वाले हैं, और ये जो समय आता है बहुत ही टाइम बाद और एक अवेटेड वाली स्थिति के बाद आता है। 19 मई को ट्रांजिट कर जाएंगे, वहाँ पर वो रहने वाले हैं अराउंड 12 जून तक। तो ये जो एक छोटा सा पीरियड है अराउंड 25 डेज का, इसमें वीनस हमको सेकेंड हाउस है, खुद का जगह है, टॉरस है, वेल्थ वाली जगह है, कुटुंब है, हमारी वो सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो हम इस दुनिया में भोगने आए हैं, और वहाँ पर वीनस आ रहे हैं और खुद के ही साइड में। वीनस को इस समय साथ मिल रहा है, कंजक्शन के साथ में है जुपिटर और सन, जो कि ऑलरेडी से टॉरस में है। ठीक है, मेरे लास्ट टू वीडियोज़ इसी चीज़ पर बनाए हुए मैंने। तो कहीं ना कहीं वीनस को सन और जुपिटर का साथ तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वीनस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोजिशन में होंगे, बिकॉज द साइन जो साइन है टॉरस, वो वीनस का खुद का साइन है। वहाँ पर एक अच्छी पोजिशन में वीनस आपको नजर आएंगे और आपको सब कुछ मिलेगा जो आप सोच रहे थे। स्पेशली मैं वेल्थ की बात करूँगी इस समय। वेल्थ चाहे आपकी फादर फिगर से मिले, आपकी पढ़ाई से मिले, या वेल्थ कहीं ना कहीं आपकी मेहनत से मिले, तो वेल्थ इज देयर फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अपने परिवार का साथ, मेटलिस्टिक लाइफ, गुड पर्सनैलिटी, अच्छा खाना, गुड आई कैन से बॉन्डिंग विद द फैमिली, उसके अलावा कुछ अच्छे रिलेशनशिप का ग्रोथ भी समय यहाँ पर होने वाला है। टाइम इज़ वेरी गुड। 12 जून तक का साइन में समय है, 12 जून तक वहाँ पर रहेंगे, तो 25 डेज अराउंड का ही टाइम रहता है। तो उसके अलावा केतु की 9th एस्पेक्ट इस पर आ रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगी, क्योंकि केतु का 9th एस्पेक्ट का मतलब है केतु भी इस वक्त वर्गोज में है, तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लेकर के या मनी को लेकर के वहाँ काम कर रहे हैं। सारे जोड़े जन के बारे में बताने वाली हूँ कि वीनस क्या इफेक्ट डालने वाले हैं। सबसे बात करते हैं एरीज वालों की ट्रांसलेट कर रहे हैं आपके ये सेकंड हाउस में। आपके लिए तो जैसे वीनस का कुत्ता का तो सेकंड हाउस है, 7th हाउस भी है। कहीं ना कहीं इस समय आपको आपके फादर फिगर या आपके गुरुजनों से बहुत अच्छे लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिलेगा रिगार्डिंग योर वेल्थ। घर का कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा पढ़ने जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए आप विदेश जा सकते हैं। आप वहाँ जा सकते हैं जहाँ आप काफ़ी समय सोच रहे थे क्यों जाना है। ठीक है, उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट सिस्टम आपको कुटुंब का मिल रहा है, फादर का मिल रहा है, गुरुजन का मिल रहा है। एक अच्छा एडवाइज़र आपको इसमें मिल सकता है जो कि आपको आपकी वेल्थ में सपोर्ट सिस्टम देगा। उसके अलावा परिवार से बहुत अच्छी बॉन्डिंग होना, गुड थिंग्स इज देयर, गुड लाइफ स्पेंड, गुड क्वालिटी टाइम विथ योर फैमिली। जुपिटर इज देयर एंड वीनस इज देयर, उसके अलावा सन इज ऑल्सो देयर। आपका विजन सेट होगा, मुझे करना क्या है, मुझे अपना पैसा कैसे जोड़ना है, परिवार की जरूरतों को पूरा करेंगे, एक अच्छा इंसान बन के निकलेंगे, रिलेशनशिप अच्छा होगा। और इस समय अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी आपकी अरेंज मैरिज हो जाए। घर में कुछ अच्छी खुशहाल वाली न्यूज़ आपको मिल सकती है, आपके घर में कोई नन्ना मेहमान आ सकता है, कुटुंब बढ़ेगा, कुटुंब के साथ में बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी के साथ आप आगे बढ़ेंगे। टाइम इज़ वेरी गुड, स्पिरिचुअल पावर ही बढ़ने वाली है, गुड, वेरी गुड टाइम, नो डाउट, इसमें कहने का कोई जरूरत नहीं। बिजनेस में है तो भी अच्छा समय है, ग्रोथ होगी इस समय आपकी, ओवरऑल ग्रोथ लेकर आएंगे इस समय आपकी, पर्सनलिटी चेंज होने वाली है। मनी की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, एजुकेशन की बात कर लूँ, एंड योर आई कैन से इमेज इन योर कुटुंब, इमेज इन योर सोसाइटी ऑल्सो, उन सब में फेम बढ़ेगा इस समय आपका। इट्स अ गुड पर्सन, घर को संभालता है, अच्छा इंसान, शादी हो सकती है, घर में नन्ना मेहमान आ सकता है, कुटुंब बड़ा हो सकता है, घर में हो सकता है किसी और के घर, मतलब घर में किसी और की बच्चा हो, लेकिन इसमें हो सकता है किसी में आपको गुड न्यूज़ मिले। टाइम इज़ वेरी गुड, नो डाउट। अब बात करती हूँ मैं टॉरस वालों की। आपके तो फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, यू फील वेरी वेरी कम्फर्टेबल, बिकॉज खुद का ही फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस में ही ट्रांजिट कर रहे हैं वीनस। तो कहीं ना कहीं इस समय आपका सबसे पहले तो जुपिटर सन ऑल्सो देयर फर्स्ट हाउस में आपके, ठीक है, कहीं ना कहीं पहले से यू आर वेरी कंफर्टेबल एट योर होम। ठीक है, कुछ नई चीज़ों को बदलना, नई काम करना, घर संबंधित चीज़ों को सजाना करना, कुछ बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में इस समय आएगी, वीनस से क्रिएटिविटी। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले रिगार्डिंग योर आई कैन से जॉब की बात कर लूँ, या अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे कॉलेज में आपका इसमें एडमिशन हो जाए। इस समय आप अपने प्रारब्ध कर्मों को बहुत स्माइल करके करेंगे, आई यू आर वेरी कंफर्टेबल अपने दिमाग से कि मेरा प्रारब्ध कर्म है, मुझे रोज़ ये काम करना पड़ेगा, करना पड़ता है, या मुझे रूटीन ये काम है, या रूटीन मेरा जॉब जा रहा हूँ, तो यू फील वेरी कंफर्टेबल।
क्योंकि वीनस फर्स्ट हाउस में है, आदमी कूल रहता है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आया और वीनस है, प्रॉस्पेरिटी फील करना, खुशहाली फील करना, हंसना मुस्कुराना, इससे हो सकता है कि आपको कोई विल वसीयत भी मिले, स्माइल करके आप उसको यहाँ मुझे, या फिर कोई ऐसा पैसा जो रुका हुआ था सडनली आपके पास में आ जाए। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू नो डाउट, बट थोड़ा सा एक चीज़ की मैं बात करना चाहूँगी, बिकॉज ऑफ द सन का उसमें कंजक्शन आ रहा है और जुपिटर कंजक्शन आ रहा है, कुछ बड़ा बदलाव भी इस समय आपकी लाइफ में हो सकता है, आपके आइडियाज़ रंग लाएंगे, कुछ चीज़ों का बदलाव हो सकता है, घर बदलें, जगह बदलें, कोई ट्रांसफ़र हो जाए कहीं पर, बट थिंग्स इज़ गुड, फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा ही आएगा, तो एक्सेप्ट कीजिए चेंजेस को, ट्रांसफॉर्मेशंस को, ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा यू शुड वेरी मच कंपटीशन में उतरना और उसको जीत करके आना, पॉजिटिव रिजल्ट्स आना, इट कैन बी हैपन, लेकिन एक छोटी चीज़ है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है और सिक्स हाउस का लॉर्ड ही वीनस ही है, इस समय आप अपने दुश्मनों को परास्त करेंगे। उसके अलावा हो सकता है इस समय आप लोन लें बिकॉज ऑफ योर घर बनाने के लिए, या आप लोन लें कोई बिजनेस से रिलेटेड, या कोई लोन लें किसी हिडन चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, कैन बी पॉसिबल, तो ये चीज़ इज़ गुड नो डाउट। वॉच योर हेल्थ लिटिल बिट, थोड़ा सा अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी गुस्सा होना है, बहुत जल्दीबाजी में फैसले ले लेना इस नॉट गुड, स्पेशली रिलेशनशिप की बात कर, ठीक है। अब आप कहती हूँ मैं जेमिनी वालों की, आपके ट्रांसिट कर रही है ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस में वीनस जो एग्जॉल्टेड होता है, सबसे पहले तो सन एंड जुपिटर पहले से वहाँ थे तो ट्वेल्थ हाउस में थे दोनों, लेकिन जैसे वीनस आएंगे फॉर नेक्स्ट 25 डेज यू फील वेरी कंफर्टेबल, क्योंकि वीनस ट्वेल्थ हाउस में एग्जॉल्टेड होते हैं और अपनी जगह पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सन और जुपिटर का जो आपको साथ में मिल गया, जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा था उसमें यू फील वेरी कंफर्टेबल कि कहीं ना कहीं वीनस आके चीज़ों को कंडक्ट करेंगे। इस समय आपको विदेशों से कोई अच्छी इनकम मिल सकती है, कोई आप पढ़ने बाहर जा सकते हैं, बिजनेस सपोर्ट मिल सकता है, या फिर आपका कोई विदेश में ट्रिप लग सकता है इस समय, जहां आप जाना चाह रहे थे, एक ड्रीम प्लेस होती है ना जहां मैं घूमने जाना था, मुझे वहां जाना था, इट कैन बी पॉसिबल कि इस समय आप वहाँ पर जाएं, पहली चीज़। उसके अलावा पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं, वीज़ा आपका क्लियर हो सकता है, पेपर वर्क क्लियर हो सकता है। उसके अलावा इस वक्त काफ़ी सपोर्ट सिस्टम आपके सामने आएगा फ्रॉम योर अथॉरिटी लेवल ऑल्सो, गवर्नमेंट से कोई पेपर अटक रहा था, कहीं कोई अटकाव आ रहा था अथॉरिटी लेवल से या बॉसेस का कि नहीं जाना है, छुट्टी नहीं मिल रही है, तो वहाँ सबसे सपोर्ट दे रही है कि वीनस आकर के आपके ट्वेल्थ हाउस को कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दे रही हैं। उसके अलावा जॉब लग सकती है विदेश में आपकी, अपने स्पाउस के साथ भी आप बाहर जा सकते हैं घूमने फिरने के लिए, अगर सिंगल है तो हो सकता है विदेश से आपको कोई ऐसा प्रपोजल मिले फ्रेंडशिप का, या कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, तो टाइम चारों तरफ से अच्छा होता नजर आ रहा है, करियर के लिए इज़ गुड टाइम, रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है, सपोर्ट सिस्टम इज़ देयर, एवरीथिंग इज़ वेरी 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 गुड। विजन सेट करेंगे, समय मुझे विदेश जाना था, मुझे काम करना था, नाउ मैं ये काम कर रहा हूँ, पॉजिटिविटी साथ आगे जाएंगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपका कुछ खर्चा भी होगा, नो डाउट खर्चा हो सकता है वहाँ पर, खर्चा भी होगा, बट जब आप कुछ काम करते हैं बाहर जाते हैं तो खर्चा इज देयर, डोंट नीड सम मनी एंड अवॉइड द एडिक्शन। अब बात करती हूँ मैं कैंसर वालों की, कैंसर वालों के लिए 11th हाउस में ट्रांसफर करो, आपके लिए तो बोलने का ज़रूरत ही नहीं मुझे, क्योंकि आपको तो एक बहुत बड़े लेवल का इंक्रीमेंट मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आपका लॉर्ड जो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा सेकंड हाउस में ही एग्जॉल्टेड होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है ना, जब अपनी जगह पर वीनस आ रहे हैं 11th हाउस में, तो डिज़ायर्स तो कंप्लीट होगी होगी, उसके अलावा आपके दिमाग में जितने भी एक होता प्लानिंग्स वो फ्रूटफुल होती हुई नज़र आ रही है। इस समय आपका इनकम जो है वो बढ़ेगी, गेंस बढ़ेगा, कुछ अच्छे नेटवर्क में आपकी एंट्री हो सकती है, पैसा कमा भी जा रहे हैं जोड़ भी रहे, ठीक है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय यू आर वेरी आई कैन से कंफर्टेबल एट योर होम ऑल्सो, हो सकता है आप घर बदलें, लेकिन वो घर बहुत आपका ड्रीमी हाउस होगा कि मुझे इस पर्टिकुलर घर में जाना था, मेरा ड्रीम हाउस था, या अपने घर में हो सकता है घर से कोई रेंट आना शुरू हो गया, बदलाव इज़ देयर क्योंकि 11th हाउस में है और जुपिटर इज़ देयर, सन इज़ देयर, वीनस अपनी जगह पर आकर के बैठ गए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको देने आए हैं दोनों हाथों से, थिंग्स विल बी चेंज नो डाउट। थोड़ा सा इसमें आपको की हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग योर ईटिंग हैबिट्स, पहली चीज़। उसके अलावा ये समय हो सकता है आपको सडन चीज़ें छूटें, लेकिन सडन चीज़ें आपके पास आएंगी भी, सडनली कोई जॉब आपसे छूट जाए और सडनली वो जॉब आपके पास दूसरी आ जाए जहाँ की अच्छा इंक्रीमेंट हो, अच्छी पोस्ट हो, नेटवर्क विल बी देयर, चीज़ें अच्छी घटित होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप बदलाव की हवाएं चाहते हैं तो इस समय आपके बदलाव का ही है,
थोड़ा सा प्रैक्टिकली होकर के सोचिएगा चीज़ों को, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब यू आर कैंसर साधन तो बहुत ज़्यादा इमोशनल लेवल पर रहते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा। पैसा भी आ रहा है, चीज़ें बदल रही है, घर बदल रहा है, थिंग्स इज बेटर, यू फील वेरी कंफर्टेबल लाइफ। लियोज वालों की बात करी हूँ, आपके टेंथ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, टेंथ हाउस में वीनस का आना कहीं ना कहीं समय आपको बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर हो सकता है कि अपने जॉब या करियर की वजह से आपको अच्छी ट्रैवलिंग करनी पड़े इस समय, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि इस समय आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी टेंथ हाउस में है, तो कहीं ना कहीं पावर आपको मिल रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी पावरफुल पोजिशन मिल सकती है सोसाइटी में, या फिर अच्छी पावरफुल पोजिशन मिल सकती है एट योर वर्क प्लेस। अथॉरिटी लेवल से कोई सपोर्ट मिल सकता है, आपको कोई प्रमोशन हो सकता है, लेकिन उसके लिए ट्रांसफर भी हो सकता है, कैन बी पॉसिबल कि आपको ट्रांसफर कर दिया जाए, बट यू फील कंफर्टेबल कि ठीक है मुझे जाना था, मुझे ये पोस्ट तो चाहिए चाहिए, ठीक है। उसके अलावा इससे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, स्टूडेंट है तो हो सकता है गवर्नमेंट के कोई अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए। बहुत सारी चीज़ें बदलती हुई नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, क्योंकि आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड टेंथ हाउस में है, जुपिटर इज टेंथ हाउस एंड वीनस इज ऑल्सो नाउ इन टेंथ हाउस, तो वहाँ पर काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें घटित हो रही है जहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी एक नए आयाम बढ़ेगी, मतलब आपकी मनचाही जगह पर पोस्टिंग हो जाना, मनचाही पोस्ट मिल जाना, मनचाही कंपनी में आपका जॉब लग जाना, मनचाही आपका कॉलेज मिल जाना, इस तरह की चीज़ें आपकी बदल सकती है। नो मतलब उसमें चेंजेस हैं, चेंजेस होंगे ही, नो डाउट। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, इस समय आप जिसमें ना ट्रैवलिंग करेंगे, आपकी शिफ्ट तो कहीं हो सकते हैं बाहर, नो डाउट, बट विजन विल बी सेट कि मुझे ये काम करना था, गुरुजन मिलेंगे, अच्छे एडवाइजर्स मिल सकते हैं आपको, जुपिटर आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलकर के काफ़ी अच्छा सा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। मित्र मिलेंगे, नए सपोर्ट सिस्टम मिल सकते हैं, ट्रैवलिंग करेंगे, गुड थिंग इज देयर, नो डाउट। बट लिटिल बिट जब चेंजेस हम करते हैं तो थोड़ा सा उसका ध्यान रखिएगा। उसके अलावा थोड़ा सा जड़ों से जुड़े रहिए, हवा में ना उड़े, ये चीज़ आपका ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करती हूँ मैं वर्गोज वालों की, वर्गोज वालों के लिए नाइन्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, पहले एट्थ हाउस में थे, कहीं ना कहीं यू फील नॉट कंफर्टेबल पोजिशन नहीं होती है, एट्थ हाउस में कोई प्लैनेट होता है तो नॉट कंफर्टेबल पोजिशन में नहीं होता है, क्योंकि एट्थ हाउस कहीं ना कहीं उस प्लैनेट की एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। खड्डा है ना, खड्डे में आप कोई भी चीज़ डालेंगे तो उसकी रोशनी, एनर्जी, ऑरा, पावर, एवरीथिंग ना उस खड्डे में बंद हो जाती है, पैक हो जाता है वो इंसान, वो प्लैनेट पर्टिकुलर, और उस प्लैनेट के थ्रू जो हमें एनर्जी मिलती है उस एनर्जी में भी हमें लेस फील होता है। लेकिन अब नाइन्थ हाउस, और नाइन्थ हाउस में ऑलरेडी जुपिटर इज देयर, सन इज देयर, और नाइन्थ हाउस में आने वाले हैं वीनस, तीनों प्लैनेट मिल करके, और अपनी जगह पे वीनस है, तीनों प्लैनेट मिल करके आपको कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल का सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं थ्रू योर डेस्टिनी। किस्मत का साथ मिलना, या किस्मत का धनी होना, या एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बहुत ज़्यादा लकी इंसान हो जाना, या वो कहते हैं ना कि बहुत बहुत भाग्यशाली इंसान है, सडनली इसकी किस्मत चमक गई, वो वाली चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है मुझे वर्गोज वालों पे। आपका टाइम बहुत ज़्यादा बेटर होता नज़र आ रहा है, वीनस आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं सेकेंड हाउस का मतलब होता है कि आपका कम्फर्ट जोन, आपका सिक्योर प्लेस, धन सिक्योर करेंगे, कुटुंब साथ रिलेशनशिप सिक्योर करेंगे, उसके अलावा अच्छी चीज़ें बैलेंस लाइफ दीजिएंगे इस समय। मुझे कितना पैसा जोड़ना है, मुझे कौन सा खाना खाना है, मेरी पर्सनलिटी कैसी है, मुझे कैसे दिखना चाहिए, उसके अलावा इस समय हो सकता है कि आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिले बिकॉज जो आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई होगी। कर्म बहुत ज़्यादा करते ना, कर्म करते जा रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो ये रिजल्ट ओरिएंटेड टाइम है आपके लिए। नाइन्थ हाउस इज योर डेस्टिनी प्लेस, जहाँ कंप्लीटली आकर के ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपकी किस्मत खोल दरवाजे खोलती है, तो ये समय आपके लिए बहुत बेटर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय विदेश यात्रा कर सकते हैं, विदेश में जा सकते हैं, उसके अलावा इसमें पैसा जोड़ेंगे, पैसा भी कमा सकते हैं, नो डाउट। घर में चेंजेस होगा बट वो भी पॉजिटिव लेवल पर होने वाला है। इस समय अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई सडनली कोई ऐसा इंसान आए जिसे काफ़ी समय से आप वेट कर रहे थे, और उसके बाद वो आपसे एक कमिटमेंट वाला रिलेशनशिप, या आप शादी तक हो सकती है, सगाई हो सकती है, रोका हो सकता है। वेटिंग जो टाइम था ना कि मुझे वेट हो रहा है मुझे इस चीज़ का, वो सारी वेटिंग जो लिस्ट है वो खुल गई है इस समय। वर्गोज वालों के लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। फर्स्ट हाउस में आपके केतु ट्रांजिट कर रहे हैं इस समय, उनका भी नाइन्थ हाउस इस पर पड़ रहा है आपके नाइन्थ हाउस में, कहीं ना कहीं इस समय आपको भाग्य का दिया हुआ सब कुछ मिलने वाला है। 25 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो जो भी आप काम सोच रहे थे ना मुझे करना है वो करना है,
सड़े वो सब काम होता चला जा रहा है ऑटोमेटिकली। भाग्य है ना, भाग्य जब खुलता है तो बहुत अच्छे लेवल पे सपोर्ट सिस्टम देता है। पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा है, अपने आइडियाज़ को खोलिए, अपने जो भी आपके वो ना कि छुपे हुए डिज़ायर्स की बात कर लूँ या छुपे हुए वो चीज़ें मुझे करना है प्लानिंग्स, उनको इस समय आप बाहर निकालिए, बहुत अच्छा रहे। थोड़ा अपना ब्लड नेचर को कंट्रोल करिए या ज़िद्दी बन से नहीं चलिएगा। सब लिब्रा वालों की बात करूँ, आपका तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये 8th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं। अब ऑलरेडी आई सेड इन वर्गोस टाइम कि 8th हाउस इज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल जोन फॉर एनी प्लैनेट, बिकॉज एक पैकिंग पैक वाला धरती वाला हिस्सा है, तो वो वहाँ पर जाकर के कोई भी चीज़ चली जाती है या उसको प्लैनेट होता है तो उसकी एनर्जी हम तक नहीं आती है, एकदम बंद सा हो जाता है। एनर्जी आएगी तो बोलते कि सुस्त सा प्लैनेट है, आइसोलेशन वाली जगह है, पानी है बट पानी डीप काला पानी है, तो पता नहीं चलता कि पानी कितना गहरा है, तो पता नहीं चलता कि वो प्लैनेट कहाँ चला गया है और उसकी एनर्जी क्या लेवल पर हमें मिल रही है। हिडन हिडन थिंग्स इज देयर। तीनों बड़े प्लैनेट वहाँ पर बैठे हुए हैं लिब्रा वालों के, और आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहाँ जाके बैठी है। लेकिन ये जो 8th हाउस है, देखिए उसमें निगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन एक बहुत बढ़िया एक चीज़ होती है, वो होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, बड़े लेवल का बदलाव होना। क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहाँ बैठा है, दो बड़े प्लैनेट उसको सपोर्ट सिस्टम दे रहे हैं, सूर्य एंड जुपिटर, ठीक है, तीनों मिलकर के आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो तीनों मिलकर के फाइनेंशियल लेवल, आपकी वाइटैलिटी, आपका हाउस होल्ड, आपकी एजुकेशन, आपका ज्ञान, आपकी एडवाइजिंग, आपकी किस्मत, आपका विजन, आपकी फेम, आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपका खुद का एरिया, आपका दिमाग, आपकी प्लानिंग्स, आपकी पर्सनैलिटी, अट्रैक्शन, एवरीथिंग, ये तीनों प्लैनेट मिलकर के बहुत अच्छे से कवर करते हैं इस चीज़ को। अब मरकरी भी आ जाएगी थोड़े टाइम बाद, वो सब मिलकर के आपको एक नया इंसान बना रहे हैं। लिब्रा वाले मेरी बात को समझिए, जैसे मान लीजिए कि आप कोई पत्थर लेकर के घर में आते हैं, कोई भी एक जो पड़ा कारीगर होता है और उस पत्थर को वो मार करके उसको ठीक करता है, मतलब उसको ना एक आकृति देता है, ईश्वर की आकृति देता है, तो हम पूजा करना शुरू करते हैं, एक सुंदर बच्चे की आकृति देता है या कोई महिला की आकृति देता है, फूल की, कुछ भी वो बनाता है उसको एक करता है। लेकिन जब वो उसे बना रहा होता है उस समय वो यूज़ करता है काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट्स, हथौड़ी भी होती है उसके हाथ में या काफ़ी शार्प ऑब्जेक्ट से वो काम करता है, तो उस समय उस पत्थर को काफ़ी दर्द होता है या उसको है ना इस बड़ी सी अजीब सी एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लेकिन जब वो घड़ के बाहर निकलता है, यानी कि जो बन जाती है आकृति, उस समय हमें पता चलता है कि ये जो सब हो रहा था, प्रोसेस जो चल रहा था, वो प्रोसेस इसलिए चल रहा था बिकॉज एक बहुत ही खूबसूरत आकृति निकल करके बाहर आने वाली थी। ये काम हो रहा है लिब्रा। इस समय आपको ऐसे लग रहा होगा कि शार्प ऑब्जेक्ट्स इज देयर एंड ऑल द प्लैनेट्स इन सिटिंग इन 8th हाउस और दे आर डूइंग द थिंग्स की शॉप, आपको शॉप करना, शॉप करना। तो इस समय आपकी पर्सनैलिटी, मैंने ऑलरेडी सेड 90% जो आपकी वो फील्ड्स हैं उनको इस समय ये तीनों प्लैनेट मिलकर के बदल रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, आपको नया इंसान बना रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड है, आपको खुद को ही बदल रहे हैं इस समय। और अब आप खुद स्वयं भी बदलना चाह रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं बदलाव। इस समय टाइम इज़ वेरी गुड। इस समय आप जिस प्रोसेस से निकल रहे हैं ना, तो उस प्रोसेस के बाद हर चीज़ बहुत आपको बदलाव नज़र आएगा, हर चीज़ बदलती हुई नज़र आएगी। टाइम इज़ गुड, नो डाउट। डरिए मत इस चीज़ को, 8th हाउस से डरना नहीं चाहिए। 8th हाउस से ट्रांसफॉर्मेशन, मर करके जिंदा होने का जब है, मृत्यु का भाव है। आदमी जब मरता है और जब उसको नया जन्म मिलता है तभी 9th हाउस मिलता है, यानी कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स उसको मिलती है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो वालों के लिए 7th हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, टाइम इज़ गुड। इसके पहले समय अच्छा नहीं था बिकॉज ऑफ आपको आपके पार्टनर के साथ में अच्छा समय हो सकता है कि नहीं बीत रहा हो या कहीं ना कहीं यू फील इग्नोरेंस फ्रॉम योर पार्टनर, बट समय अब अच्छा होता नजर आ रहा है क्योंकि वीनस आ गए हैं अपने घर में। कहीं ना कहीं यू फील कम्फर्टेबल रिलेशनशिप विद योर पार्टनर, यू फील वेरी कम्फर्टेबल विद द बॉन्डिंग विद योर पार्टनर। आपको लगेगा सामने से आपका इस जो पार्टनर है वो आकर के आपसे बात कर रहा है, आपको प्रेम दे रहा है, आपको गिफ्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं जो एनर्जी नेगेटिविटी में थी वो सडनली आपको पॉजिटिविटी में होती हुई नज़र आएगी। इससे मैं आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको बहुत अच्छे से अपने पार्टनर से रिलेशनशिप रखना है तो अपने पार्टनर को बहुत बढ़िया सा गिफ्ट दीजिए इस समय, कोई भी गिफ्ट जो आप देना चाहते हैं, ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनाएगा। कोई भी गिफ्ट जरूर नहीं, महंगा सस्ता का मतलब नहीं होता, कोई भी गिफ्ट आप दे सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर यू, अगर आपका रिलेशनशिप बहुत बेटर बनाना है तो ये काम कीजिए।
खर्चा कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर, घुमाने ले जा सकते हैं। उसके अलावा इस समय हो सकता है कि अगर आप किसी डेटिंग में थे तो कन्वर्ट इनटू योर मैरिज कैन बी पॉसिबल, क्योंकि जुपिटर आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड है, ठीक है। उसके अलावा इस समय अगर आप वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि आपके घर में कोई नन्ना मेहमान भी आए। समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ों में अच्छा बदलाव आ रहा है। उसके अलावा कहीं ना कहीं इस समय हो सकता है कि अगर आपका ट्रांसफ़र बाहर हो रखा था, बाहर कहीं रह रहे थे आप बिकॉज ऑफ योर बिजनेस और बिजनेस, तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के पास वापस आ जाएंगे। पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग अच्छी होती हुई नज़र आ रही है, इंसान घर वापस आ रहा है, प्रेम के पास वापस आ रहा है, रिलेशनशिप के पास वापस आ रहा है, तो समय बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा समय है, रिलेशनशिप बहुत अच्छा समय है। तैयार हो जाइए अच्छी दिनों के लिए। अब बात करती हूँ मैं सजिटेरियस वालों की, आपके ट्रांजिट कर रही है सिक्स हाउस में। सजिटेरियस का खुद का लॉर्ड आकर के पहले वहाँ बैठा हुआ है, सन वहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। अब आ गए हैं वहाँ पर शुक्र, ठीक है। कहीं ना कहीं सजिटेरियस वालों को एक कोई होता ना कि आपकी किस्मत की बात कर लूँ या आपके खुद की पावर की बात कर लूँ, कहीं ना कहीं इस समय आपको लगेगा कि मेरे को बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में तीनों प्लेनेट आकर के बैठ गए और शुक्र आकर के बैठ गए। शुक्र आपके इलेवंथ हाउस के लॉर्ड भी हैं पहली चीज़ तो, उसके अलावा शुक्र आपके सिक्स हाउस के लॉर्ड भी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा पैसा कमाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ मुझे मेरी फैमिली को चलाना है। कहीं ना कहीं आपका प्रारब्ध कर्म बढ़ेगा, लेकिन पॉजिटिविटी भी आएगी क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहे हैं, भगवान की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, फादर का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। कहीं ना कहीं आपको एक अच्छी शुरुआत इस समय हो सकती है, अगर फ्री थे तो अच्छी जॉब मिल सकती है, कॉम्पिटिशन में उतर सकते हैं, अप्लाई किया था तो हो सकता है आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले। रिगार्डिंग आपके किसी भी तरह का स्टूडेंट है तो, बिजनेस में है तो, जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है इस समय आपकी, नो डाउट। टाइम इज अच्छा है लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही। आपकी जो प्लानिंग थी वो फ्रूटफुल होगी, लेकिन तब होगी जब आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली एरिया से गुजरना पड़ेगा, छठे घर से गुजरेंगे तभी सातवां घर आएगा डिजायर्स का। इस समय अगर आप किसी साथ प्रेम में भी हैं तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आप अपने पार्टनर के लिए इस समय करेंगे, और करना ही पड़ेगा सिक्स हाउस से प्रारब्ध कर्म अपने पार्टनर के लिए करना पड़ेगा नो डाउट, उतना ही बेटर आपका रिलेशनशिप होगा। भागिए मत अपने कर्म से, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है, मित्रों के लिए बहुत अच्छा है, नए मित्र बन सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, शादी हो सकती है, घर में बच्चा भी हो सकता है जिसने बताया। उसके अलावा इस समय हो सकता है आप अगर कोई लोन लेना चाहें या पैसे के लिए वेट कर रहे थे तो इस समय आपको हो सकता है कि इंक्रीमेंट मिले सडनली, बट जब इंक्रीमेंट मिलता है तो इंसान को काम ज़्यादा करना पड़ता है, ठीक है। टाइम इज गुड, नो डाउट, बी स्पिरिचुअल एंड बी रिलैक्स, काम के लिए तैयार, पूरा एक साल काम कराएंगे जुपिटर वहाँ पर बैठे। कैप्रिकॉर्न वालों की बात कर रही हूँ, आपके फिफ्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, अच्छा समय है नो डाउट, बट मैं छोटा सा बट है कि कैप्रिकॉर्न वालों का सैटर्न होता है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, ठीक है, और फिफ्थ हाउस में आपके जुपिटर भी आ गए हैं, सन भी हैं और अब शुक्र भी वहाँ पर है। कहीं ना कहीं इस समय कैप्रिकॉर्न वालों को दूर नहीं जाना है, उसके अलावा काम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए हैं फिफ्थ हाउस में। मैं बात कर रही हूँ शुक्र की, इस समय शुक्र आपके टेंथ हाउस के लॉर्ड में। इस समय आप अपना जितना विजन सेट करेंगे, जितना आप काम के लिए आगे बढ़ेंगे, उसके अलावा जितना आप होते ना कि ये 5 साल बाद मुझे काम करना था या फिर अपने फेम के लिए काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इस समय आप अगर शुक्र के हिसाब से जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ढिलास वाली स्थिति रहेगी, लेकिन अगर आप सन के हिसाब से जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं ईगो हाइट पे जा सकता है। आपका जो लॉर्ड है वो सेकेंड हाउस में ट्रांसफर कर रहा है, इस समय आप जितने कंफर्टेबल रहेंगे, जितना कूल रहेंगे, उतना आपके लिए बेटर है। विजन सेट कीजिए, कर्म के लिए आगे बढ़िए, काम कीजिए, बैठे रहने से काम नहीं चलने वाला, जितना काम करेंगे उतना बेटर है। फिफ्थ हाउस में आ रहे हैं, जॉब मिल सकती है, विजन सेट हो सकता है। उसके अलावा आपको फेमस बना सकते हैं एट योर वर्क प्लेस, हो सकता है आपको ग्लैमर इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, या मनचाही जगह पर मुझे जहाँ जाना था वहाँ पर मेरा काम हो गया, वहाँ पर मेरा जॉब लग गया है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हो सकती है, टाइम इज़ गुड, अफेयर के लिए भी अच्छा है, लेकिन जैसे ऑलरेडी मैंने कहा कि अगर आप शुक्र के हिसाब से जाएंगे तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा है, लेकिन सन भी वहाँ बैठे हुए तो हो सकता है कि तनातनी रहे, और गुरु भी वहाँ बैठे हुए। पढ़ाई के लिए अच्छा है, जॉब के लिए अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ग्रोथ के लिए, लेकिन रिलेशनशिप के लिए समय अच्छा नहीं है। उसके अलावा आपको हो सकता है इगोस्टिक नेचर निकल करके बाहर आए और आपको प्रॉब्लम में कर दे, तो अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा कूल स्थिति में रहिएगा। इस समय आपके बच्चों के लिए भी समय बहुत अच्छा है, हो सकता है उनको कोई जॉब मिल जाए,
या फिर उनको कोई अच्छी आई कैन से कोई कॉलेज मिल जाए, या ग्रोथ का समय है इस समय। एजुकेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बताती हूँ तो टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, बट कंट्रोल योर इगोस्टिक लेवल। अब बात करती हूँ मैं एक्वेरियस स्वामी की, आपके फोर्थ हाउस में ट्रांसिट कर रहे हैं, वेरी गुड टाइम। पहले आप बहुत कंफर्टेबल नहीं थे एट योर होम, लेकिन अब आपको कंफर्ट लेवल जोन, मतलब जो कंफर्ट जोन है उसमें आपको बेटर फील होगा कि अगर मैं जहाँ पर हूँ वहाँ मैं बेटर हूँ। घर की बात कर लूँ, आपकी जॉब की बात कर लूँ, कि स्टेबिलिटी को आप फील करेंगे कि आप कंफर्टेबल, जाऊँगा ठीक हो, ज़्यादा भागना दौड़ने का जरूरत नहीं है मेरे को। जो ईश्वर ने मुझे दिया है जो चीज़ उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा प्रॉपर हूँ। फोर्थ हाउस है, फोर्थ हाउस आपका घर है, मेंटल पीस है आपकी, जो मन की शांति है जो आपको घर में मिलती है, जो फूड आपको घर में मिलता है, जो रिलेशनशिप आपकी माँ के साथ है, या जब आप अपनी माँ के साथ होते हैं जो आपको फीलिंग्स आती हैं, दिस ऑल द फोर्थ हाउस। और वहाँ पर आए हैं शुक्र, वेरी कंफर्टेबल जो, ठीक है, यू आपकी भाई एवरीथिंग इज ओके, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुक्र आपके नाइन्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आपको आपका कोई घर ऐसा मिल सकता है, ड्रीम हाउस मिल सकता है, जो आप काफ़ी समय सोच रहे थे। उसके अलावा एजुकेशन के लिए समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। हो सकता है घर में रहकर आप एजुकेशन में, ऑनलाइन एजुकेशन में कोई ऐसा गुरु है जो आपको मिले और आपको अच्छी राह दिखाए। इस समय माता सबसे बड़ी गुरु होती है, सबसे बड़ी पहली गुरु आपकी माता ही होती है। तो इस समय आप बहुत कंफर्टेबल में रहेंगे विथ योर मदर। अगर कहीं और रहते थे तो उधर ट्रांसफर होकर घर आ गए, या फिर घर में कोई अच्छा आप चेंजेस कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं अपने घर को। मुझे घर में ये गमला लगाना था, पर्टिकुलर कर्टन लगवाना है, एक फैंसी वाला खूबसूरत घर, अट्रैक्शन विल बी देयर। अपने घर के प्रति अट्रैक्ट होंगे इस समय आप। माता के साथ हो सकता है कि माता कहीं दूर रहती है, उसका उनको अपने पास बुला के वो रहने लग जाएँ, या आप अपनी माँ के साथ जाके रहने लग जाएँ, पब्लिकली काम करना शुरू कर दें, कैन बी पॉसिबल। किस्मत साथ दे रही है, अगर काफ़ी समय से लोन के लिए सोच रहे थे या घर बनवाने का सोच रहे थे, स्टार्ट करने का सोच रहे थे, कैन बी पॉसिबल। गाड़ी लेने का सोच रहे थे तो इस समय आप गाड़ी डेफिनेटली ले सकते, क्योंकि हो सकता है कि इस समय आपका गाड़ी लेने का जो होता है ना कि मुझे गाड़ी लेनी थी लेकिन मुझे किस्मत साथ नहीं दे रही थी, मेहनत बहुत कर रहा हूँ, ये पॉसिबल है कि इस समय आप नई कार लें। फिक्स एसेट बढ़ाने की तागात में, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीद लें बड़ी सारी। नाइट टाइम इज गुड, बी कूल, अब कूल वाले हिस्से में रहेंगे। अब फाइनली बात करती हूँ पाइसिस वालों की। पाइसिस वालों के लिए ट्रांसफर कर रहे हैं थर्ड हाउस में। ऑलरेडी दो प्लैनेट वहाँ पर हैं, आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड वहाँ पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर आ गए हैं अब वीनस। कहीं ना कहीं पाइसिस वालों को कुछ चीज़ें सडनली चेंज होती हुई नजर आएंगी, चाहे मैं आपके सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, या फिर आपकी लिक्विडिटी की बात कर लूँ। सडनली आपको लगेगा कि आपका कोई फ्रेंड सर्कल से आप दूर हो गए हैं, या फिर सडनली आपको कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है जिसको कि आपको निभाना पड़ेगा थ्रू योर ट्रैवलिंग। आपके एफर्ट्स में आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, पहली चीज़ तो ये। उसके अलावा वीनस आपके एट्थ हाउस के लॉर्ड भी हैं, कहीं ना कहीं आपको कोई लीनिएज में जाना, वहाँ उनके साथ रहना, अपनी जड़ों से जुड़ेंगे इस समय, यानी अपने गाँव में जाके शिफ्ट हो जाना, वहाँ पर रहना, ट्रैवलिंग करना। फादर जहाँ रहते थे वहाँ पर ट्रैवलिंग करने चले गए, मदर जहाँ रहती थी वहाँ ट्रैवलिंग करने चले गए, मंदिरों में ट्रैवलिंग करने चले गए आप। इस तरह की चीज़ें इस समय आपकी हो सकती है। कोई आपकी दबी हुई इच्छा कि मुझे पर्टिकुलर ये चीज़ सीखनी है, माई हॉबी, इस समय निकल करके आएगी। गाना बजाना कुछ इस तरह की चीज़ें निकल के आ जाएंगी, या पुराने कोई फ्रेंड सर्किल आपको मिल सकता है, बहुत पुराना मेरा फ्रेंड से वो अब सडनली आप मिल रहे हैं, रीयूनियन हो रहा है, कहीं जा रहे हैं कॉलेज टाइम का, तो पुरानी चीज़ें दबी हुई चीज़ें सडनली निकल करके बाहर आएंगी इस समय। कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, विदेश की लैंग्वेज है वो सीखनी थी, पर्टिकुलर जगह मुझे ट्रैवलिंग करनी थी, दबी हुई इच्छा है, नाउ डू यू डू दिस। इस समय आपकी दबी हुई हिडन हुई जो इच्छाएं हैं निकल करके बाहर आएंगी। नया जन्म होगा इस समय आपकी इच्छाओं का, हॉबीज का, एफर्ट्स का, लर्निंग का, कैन बी पॉसिबल। टाइम इज गुड नो डाउट, बट थर्ड हाउस में वीनस है तो कहीं ना कहीं आपको इस समय हो सकता है, तीनों ही प्लैनेट बैठे हुए, इस समय हो सकता है आपके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड भी है, कोई ऐसी चीज़ आप सीखना शुरू करते हैं जिससे कि आप काफ़ी समय से रुके हुए थे, या फिर आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे पर्टिकुलर चीज़ सीखनी है। लेकिन आपको इसमें यह ध्यान जरूर रखना पड़ेगा कि ये चीज़ों की वजह से कहीं मैं अपना समय तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, दैट इज़ अ मस्ट। थर्ड हाउस है, सडनली आपको लगेगा कि मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया, यूजलेस चीज़ें थी, नहीं सीखनी चाहिए, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिए। टाइम इज़ गुड, समय अच्छा है आपकी लर्निंग के लिए, अच्छा है जॉब के लिए, अच्छा है ट्रैवलिंग के लिए, अच्छा है फ्रेंड सर्कल के लिए, अच्छा है पुरानी चीज़ों को निकाल करके लाने का, अच्छा है सोशल मीडिया पे इस वक्त एक्टिव हो सकते हैं, कोई यूट्यूबर बनना, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, बट माइंड की आपका समय नहीं बर्बाद हो।
मेरा छोटा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर वीनस ट्रांजिटिंग इन टॉरस। वेल्थ के लिए बहुत अच्छा समय है, पैसा जोड़ना, परिवार, फूड, उसके अलावा आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ कैसी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इन सब चीज़ों में बड़े लेवल का बदलाव वीनस इस समय करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीनस ब्लॉग, स्टे ब्लेस्ड, गुड बाय।